नमस्कार दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों आपकी एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं क्योंकि हम छोटे यूट्यूबर हैं दोस्तों हाई एक्सप्लोसिव फैक्ट्री मुंबई पर ग्रेजुएट अप्रेंटिस एंड डिप्लोमा अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट होने वाला है टोटल वैकेंसी दोस्तों नाइन्टी जिसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस में जो केमिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम पे ग्रेजुएशन किए हो उनके लिए यू आर कैंडिडेट के, के लिए टेन पोस्ट एससी के लिए थ्री पोस्ट एसटी के लिए वन पोस्ट ओबीसी के लिए सिक्स पोस्ट दोस्तों डिप्लोमा कम टेक्नीशियन अप्रेंटिस यू आर कैंडिडेट के, के लिए टेन पोस्ट एस के लिए थ्री पोस्ट एस के लिए टू पोस्ट ओ के लिए फाइव पोस्ट दोस्तों जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट दोस्तों मैं ये जो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीस यह से बता देता हूँ डिप्लोमा टेक्नीशियन में जो स्ट्रीम है वो है केमिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल नहीं तो आप लोग समझोगे नहीं और जनरल स्ट्रीम में तो जनरल स्ट्रीम में जो ग्रेजुएशन है मैं अब आप लोगों को दिखा रहा हूँ जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट्स के लिए यू आर कैंडिडेट के, के लिए छब्बीस पोस्ट एस के लिए सेवन पोस्ट एस के लिए थ्री पोस्ट ओ के लिए फोर्टीन पोस्ट दोस्तों इसके जो आपको ग्रेजुएट अप्रेंटिस को मंथली स्टैपिन मिलेगा नौ हज़ार और डिप्लोमा अप्रेंटिस को मंथली स्टैपिन मिलेगा आठ हज़ार दोस्तों क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो कि केमिकल और इंजीनियरिंग स्ट्रीम से है उनके लिए इंजीनियरिंग डिग्री इन टेक्नोलॉजी इन जनरल स्ट्रीम जो अपने अपने स्ट्रीम मैंने दो स्ट्रीम बताए केमिकल और इलेक्ट्रिकल केमिकल और इलेक्ट्रिकली तो है दोस्तों हाँ केमिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और दोस्तों टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस में जो स्ट्रीम बताए गए हैं स्ट्रीम क्या किया था दोस्तों स्ट्रीम था केमिकल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल आपको ये केमिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में आपको डिप्लोमा होना चाहिए और जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट आपको जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए बैचलर ऑफ़ साइंस बीएससी बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बैचलर ऑफ़ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन এনি বিএচলার আফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট ব্যাচলার অফ ফ্যাশন ডিজাইন ব্যাচলার অফ ম্যানেজ ম্যানেজমেন্ট সাইন্স ব্যাচলার আফ ফাইন আর্টস ব্যাচলার আফ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ব্যাচলার আফ জারনলিজম অ্যান্ড মা কম্যুনশন ব্যাচলার আফ সোশিয়াল ওয় ব্যাচলার আফ বিজনেস স্টডিস ব্যাচলার আফ ট্রাবেল অ্যান্ড টুরিজম ম্যানেজমেন্ট ব্যাচলার অফ ডিজাইন অ্যান্ড ব্যাচলার অফ পফর্মিং আর্টস इनमें से कोई भी डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए दोस्तों एज लिमिट यहाँ पर दोस्तों एज लिमिट नहीं पता है लेकिन जो लोग अप्लाई कर सकते हैं वो है जिन्होंने 2019-20, 21, 22, 22 नहीं दोस्तों 2020, 21, 22 और 23 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर देख लीजिए ये देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो क्वालिफिकेशन मैंने बताया यहाँ पर सेम ही है क्वालिफिकेशन और यहाँ पर ये जो लाइन है आप देख सकते हैं ओनली फ्रेशर्स फ्रेश आउट स्टूडेंट्स ऑफ एब नोटिफाइड ट्रेड्स डिसिप्लिन आर एलिजिबल फॉर अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग ओनली अप टू फोर ईयर्स आफ्टर पासिंग यानी आपका पासिंग का चार साल आपको मिलेगा चार साल तो 20 से 2020 से दो से अगर आप अप्लाई करेंगे इससे पहले अगर, अगर 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 का अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आपको तो ज़्यादा हो जाएगा चार साल से ज़्यादा हो जाएगा पाँच साल हो जाएगा इसलिए जिन्होंने 2020 21 22 और 23 क्योंकि अभी 2024 चल रहा है तो आपको चार साल का ही मौका मिला यहाँ पर चार साल से ज़्यादा अगर आपने ग्रेजुएशन को किया अभी तक चार साल हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो पाँच साल हो गया नहीं कर सकते एक साल दो साल हुआ तो कोई बात नहीं वो तो फ्रेश है यहाँ पर बता दिया और दोस्तों यहाँ पर और, और एक बताया है जिन्होंने ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री जो पोस्ट है केमिकल और इलेक्ट्रिकल में अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री होते हुए किसी भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपने लिया है ऑलरेडी या फिर आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूट में जॉब करने का एक्सपीरियंस है एक साल से ज़्यादा एक साल या फिर एक साल से ज़्यादा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर पाँच छः महीना सात आठ महीना तीन चार हुआ है तो आप कर सकते हो अगर एक साल का कोई ट्रेनिंग लिया है आपने या फिर एक साल के लिए कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर मना कर दिया गया है दोस्तों जॉब कैटेगरी एप्लीकेशन फी यहाँ पर नहीं चाहिए नो एप्लीकेशन फी दोस्तों क्योंकि ऑफलाइन अप्लाई करना होगा आप लोगों को जॉब कैटेगरी दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है जॉब लोकेशन महाराष्ट्र सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों मेरिट लिस्ट उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको मेरिट बेस सिलेक्शन होगा आपका जो एकेडमिक स्कोर है आपकी डिग्री डिप्लोमा में उस एकेडमिक मार्क्स के ऊपर बेसिस करके मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके सिलेक्शन किया जाएगा दोस्तों अप्लाई करना है ऑफलाइन और जिस एड्रेस पर आपको पोस्टल पोस्ट करना है एप्लीकेशन वो एड्रेस है द जनरल मैनेजर हाई एक्सप्लोसिव फैक्ट्री की खदकी पुणे फोर डबल वन डबल जीरो थ्री महाराष्ट्र इस एड्रेस पर आप लोगों को पोस्ट करना है आप, आप एप्लीकेशन का फॉर्म स्ट्रक्चर दिखा रहा हो ये है दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एप्लीकेशन है आप नेम आपको कैपिटल लेटर में आपका नाम लिखना है डाइटर तरफ कॉर्नर में आपको फोटो देना है डेट ऑफ बर्थ लिखना है कास्ट आप कौन सी कास्ट से हो लिख देना है प्रेजेंट एड्रेस आपका जो वर्तमान का एड्रेस है आप जहाँ पर रहते हो ये एड्रेस लिखना है उसके बाद डिग्री डिप्लोमा का जो परसेंटेज है मार्क्ड जो परसेंटेज मार्क मिला है आपको वो लिखना है स्ट्रीम मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड जनरल आपको किस स्ट्रीम से अप्लाई कर रहे हो वो स्ट्रीम लिखना है मैकेनिकल से हो या इलेक्ट्रिकल से हो केमिकल से हो या फिर जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट हो आपको लिखना है मंथ ऑफ ईयर ऑफ पासिंग डिग्री डिप्लोमा आपको मंथ एंड ईयर अब किस महीने किस ईयर की किस महीने में आपका डिग्री कॉम्प्लीट हुआ था या फिर डिप्लोमा कंप्लीट हुआ था लिखना है कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिख देना है कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर कारेंट टेलीफोन नंबर मोबाइल नंबर ई मेल एड्रेस दे दीजिएगा क्योंकि सब कुछ आज आजकल ई मेल में ही मैसेज दिया जाता इसलिए वेलिड ई मेल ई मेल आई डी और मोबाइल नंबर दे दीजिएगा और यह डिक्लेरेशन और यह डिक्लेरेशन फॉर्म आप देख सकते हो आपको इस कॉम्प इस फॉर्म को भी भर के आपको देना होगा दोस्तों एक बात बोलना है यहाँ पर देख सकते हैं यह पर बताया था अगर आप एप्लीकेशन सेंड कर आप जिस खाम के अंदर डालोगे आपका डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके डॉक्यूमेंट्स के साथ जितना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा वो भी बताएं ये देखिए दोस्तों जनरल इन्फॉर्मेशन ऑप्शन फोर में यहाँ पर आपको खाम के ऊपर लिखना होगा कैपिटल लेटर में एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट एज ग्रेजुएट अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस में अप्लाई करोगे तो ग्रेजुएट और डिप्लोमा में करोगे तो डिप्लोमा अप्रेंटिस ये आपको लिखना होगा खाम के ऊपर आप ग्रेजुएट के लिए कर रहे हो या डिप्लोमा के लिए कर रहे हो दोस्तों यहाँ पर देखिए सेवन में जो एप्लीकेशन के साथ साथ आपको किस किस क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करवाना पड़ेगा यहाँ पर दिया हुआ है नंबर वाइज आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा आप खुद से भी देख सकते हो पढ़ के देख लीजिएगा क्या क्या चाहिए ये देखिए एक नंबर पे कास्ट सर्टिफिकेट दो नंबर पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ तीन नंबर में मार्कशीट डिग्री डिप्लोमा का मार्कशीट चार नंबर पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पांच नंबर में सी जी पी ए कॉन्वर्जिंग फैक्ट्री ऑप्टिन फ्रॉम कौनसन यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ है तो आप दे दीजिएगा सी जी पी ए का अगर कोई मार्क्स या फिर परसेंटेज कुछ है तो वो भी आप लोग उसका दे दीजिएगा ऑल्ड कॉपी सर्टिफिकेट शुड भी ड्यूली अटेस्टेड आप अटेस्टेड कीजिएगा और नीचे आपका अटेस्टेड का डेट दे दीजिएगा नहीं दोस्तों बाई गेजरेड ऑफिसर सॉरी आई एम एक्सट्रीमली

एप्लीकेशन पहुँचने में भी तो, तो थोड़ा टाइम लगता है ना इसलिए जल्दी से कर लीजिएगा जिनको भी अप्लाई करना है अगर वीडियो अच्छी लगे इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे और आपको डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ आपसे हमबुल रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ छोटी यूट्यूबर हूँ आपकी एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत मायने रखता है आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा एक सब्सक्राइब करने में हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेस्ट ऑफ लक सॉरी फ्रेंड्स फिलहाल ये नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई लिंक के लिए आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाइए आपको ये नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई लिंक की तो जरूरत नहीं है आपको तो ऑफलाइन अप्लाई करना है ऑफलाइन अप्लाई का प्रोसीडियर मैंने बोल ही दिया ये अपलीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर है इसको फिलअप करके पोस्ट कर देना है फिलहाल ये नोटिफिकेशन लिंक के लिए आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जाइए वहां पर मैंने इसका लिंक दे दिया सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा